हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपके पास एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी में यहां पर जो ऐप्स के सेक्शन में ऐप्स थंबनेल प्रीव्यू शो नहीं हो रहे हैं, तो उसकी प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर कुछ ऐप्स के थंबनेल आपको शो हो रहे हैं और कुछ ऐप्स के थंबनेल आपको शो नहीं हो रहे हैं, तो इसकी प्रॉब्लम को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी की सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग का आइकन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको वाईफाई को एक बार डिसकनेक्ट कर आपको जो है फिर से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई तो आपको जो है बैक आना है। फिर आपको यहाँ पर डिवाइस प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक कर डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको चेक करना है आपके पास डेट एंड टाइम करेक्ट है या नहीं। अगर आपके पास डेट एंड टाइम रॉन्ग है तो आप इसको करेक्ट कीजिए। यहाँ पर ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम पर आप एक बार क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर ऑफ के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर मैनुअली डेट एंड टाइम को सेट कीजिए। डेट एंड टाइम करेक्ट होने के बाद आप जो है एक बार फिर से यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर यूज नेटवर्क प्रोवाइडर टाइम इस पर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप अपने स्मार्ट टीवी को एक बार रीस्टार्ट कीजिए। फिर आपके पास जो है ऐप्स के सेक्शन में ऐप थंबनेल प्रीव्यू शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।